ये स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ब्लॉक थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आपको इसके नोट्स दे रहे हैं। तो जो ब्लॉक थ्योरम है उसके नोट्स आप लोग यहाँ से देख करके इजीली लिख सकते हैं। तो सिंपली जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की मदद से ही हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले बताया करते थे, और फिर बाद में हमने देखा कि वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है, अदरवाइज़ और कुछ चीज़ों को नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से ब्लॉक थ्योरम जो है उसका एग्जिस्टेंस आया था, है ना। और इसको समझने के लिए ही जो डिफरेंस है कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बीच का, उसको समझने के लिए ही जो पोटेंशियल का वेरिएशन है उसको इंक्लूड किया गया। ये डायग्राम ज़रूर से बनाइएगा जिसमें पोटेंशियल का वेरिएशन शो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज श्रोडिंगर इक्वेशन से हम की मदद से पोटेंशियल को हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, और फिर हमने उसी पोटेंशियल का मॉडिफिकेशन यहाँ पे बताया है, ठीक है। और फिर ब्लॉक फंक्शन को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। तो ब्लॉक फंक्शन को 1D में, 3D में दोनों तरह से लिखा गया, उसको ब्लॉक इक्वेशन कहा गया। जो ब्लॉक फंक्शंस हमने लिखा उसकी मदद से जो इक्वेशंस शो किया गया उसको ब्लॉक फंक्शन कहा गया, ठीक है। अब उसके बाद उसको इन्वॉल्व किया गया हमारे इक्वेशन के अंदर में। तो इक्वेशन के अंदर में इन्वॉल्व करके हमने, जहाँ एक एटम अगर हम लेते हैं तो वहाँ एक पूरा लैटिस लेने पे चेन ऑफ एटम्स लिया गया जिसका लेंथ एल था, और फिर हमने उसके लिए जो वे फंक्शन शाई है मॉडिफाई करते हुए उसको हमने लिखा। तो ब्लॉक कंडीशन उसको कहा गया, कॉन्जुगेट निकाला शाई स्टार, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके फिर हमारे को दो इक्वेशंस मिले। देन आगे हमने क्या किया है कि एक लीनियर चेन लिया एटम्स का, और जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की उसको हमने, क्योंकि वो सेम होता है हर जगह, तो ई रेज टू आई के एन ए को हमने 1 लिया और उसके लिए कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के पश्चात हमने क्या किया आगे कि उस ब्रिलॉइन जोन का एज हमने निकाला उसमें से, और फिर हमने टोटल नंबर ऑफ अलाउड के वैल्यूज़ को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। और ये जो फार्मूला यूज़ किया तो हमने एंड में यहाँ पर ये बताया कि ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि चेन ऑफ एटम्स में हैं उसके बराबर है। ये यूनिट सेल के जो 3D में यूनिट सेल हैं उनके बराबर है, ठीक है।